Now students, we are going to start our chapter number 12, that is quadrilaterals. First let's discuss that what do we mean by the quadrilateral. Quadrilaterals kya hote hain? A simple closed figure bounded by four line segments means कोई भी जो closed figure होगा और जिसके चार line segments होंगे, मतलब four line segments वाले जो भी figures होंगे that will be a quadrilateral. अब जैसे ये figure है, there are four line segments. अगर मैं इसको name दूँ, it's A B C D. A B एक लाइन सेगमेंट है, B C एक लाइन सेगमेंट है, C D इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट एंड A D इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट. मीन्स ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके फोर लाइन सेगमेंट होंगे दैट विल बी योर क्वाड्रिलेटर. और वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, लाइक दिस शेप ऑल्सो. मीन्स फोर लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, सो दैट इज योर क्वाड्रिलेटर. नॉट टॉक अबाउट कि क्वाड्रिलेटर में वर्टिसेस कितने होंगे. वर्टिसेस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स जिसको आप बोलते हो. तो वर्टिसेस कितने होंगे, फोर वर्टिसेस होंगे, दैट इज ए बी सी एंड डी. अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी, देर आर फोर वर्टिसेस. साइड, साइड मीन्स आपके जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बी सी, सी डी एंड ए डी. तो कितने लाइन सेगमेंट्स रहेंगे, साइड्स कितनी रहेंगी, फोर साइड्स रहेंगी, फोर ही वर्टिसेस. एंड एंगल्स, देर आर फोर एंगल्स यहाँ पे, जैसे ए बी सी डी, फोर ही एंगल्स रहेंगे. नेमिंग हम इसको कैसे करेंगे, डी ए बी सेंटर में आपको पता है वो रखते हो जो आप वर्टेक्स कंसीडर करते हो, डी ए बी. नेक्स्ट एंगल ए बी सी, देन नेक्स्ट एंगल बी सी डी, अनदर एंगल, ठीक है, ए एंगल आ गया है, बी बी हो गया, सी बी, डी इज लेफ्ट, तो आप इसको दे सकते हो नेम ए डी एंड सी. सो इस तरह से आपके चार एंगल्स रहेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द डायगनल्स. डायगनल्स कौन से होंगे, सपोज ये आपका फिगर है ए बी सी डी. डायगनल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स. ए का अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है, सी है. अपोजिट मतलब सामने, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइंस ड्रॉ करती हैं, ज्वाइन करती है, मीन्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, उनको आप डायगनल्स बोलते हो. सो डायगनल्स कौन से हैं आपके, ए सी इज अ डायगनल एंड बी डी इज अ डायगनल. लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड अ डायगनल. सो ए सी और बी डी आपके दो डायगनल्स लेंगे. और एक जो डायगनल है वो एक क्वाड्रिलेटर को फोर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, लाइक दिस वन टू थ्री एंड फोर. मतलब डायगनल्स जो है, दो डायगनल्स, टू डायगनल्स एक क्वाड्रिलेटर को फोर ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, सपोज वी हैव अ दिस क्वाड्रिलेटर. एडजेसेंट साइड्स वो होंगी लाइक यहाँ पे आपके पास पी क्यू एंड क्यू आर. इफ आई टॉक अबाउट पी क्यू एंड क्यू आर, मतलब ऐसे साइड्स जो जिनका जो है आपका कॉमन एंड पॉइंट होगा. मतलब ये लाइन पी क्यू है, पी क्यू का एंड पॉइंट इज क्यू, फिर क्यू से ही अगेन लाइन है आर, क्यू आर. मीन्स टू साइड्स लाइक पी क्यू एंड पी क्यू आर हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट क्यू आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, जैसी दो लाइंस जिनका एंड पॉइंट सेम रहेगा दैट इज योर एडजेसेंट साइड्स. जैसे पी क्यू एंड क्यू आर इज एडजेसेंट साइड्स. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द एस आर एस पी, एस आर एंड एस पी, ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या रहेंगी, एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स जो एक साथ में होंगे, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट. ठीक है, जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन होगा दोज आर योर एडजेसेंट साइड्स. नेक्स्ट कम टू द अपोजिट साइड्स. अपोजिट मीन्स जो आमने सामने होंगे. ठीक है, जैसे कि आपकी साइड है पी क्यू एंड एस आर. पी क्यू और एस आर दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये आपकी साइड्स क्या रहेंगी, अपोजिट. सिमिलरली आप पी एस और आर क्यू, ठीक है, ये और वो साइड, ये दोनों आपस में अपोजिट रहेंगी. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, सिमिलरली जिस तरह से एडजेसेंट साइड्स जिनका एक ही कॉमन एंड पॉइंट है तो वो एडजेसेंट साइड्स है, ऐसे दो एंगल्स जिनकी साइड्स कॉमन होंगी तो वो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे. लाइक यहाँ पे आपका जो एंगल है पी एंड एस, एंगल पी और एंगल एस, देखो दे हैव अ कॉमन साइड, एक सिंगल इसी सेम साइड पी एस पे दोनों एंगल बन रहे हैं. सो ये दोनों एंगल्स आपके क्या रहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, सिमिलरली आप आर क्यू, आर क्यू सेम लाइन पे है, आर क्यू भी, आर और क्यू एंगल आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं. सिमिलरली एंगल पी और एंगल क्यू, ये भी आपके क्या रहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे. मीन्स ऐसे एंगल जो एक ही सेम कॉमन साइड के ऊपर बनेंगे वो आपके एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे. नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ऐसे
दो एंगल्स दैट हैव नो कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म्स के अंदर नहीं है. जैसे अब एंगल पी और आर देखो, एंगल पी एंड एंगल आर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग अपोजिट में है. दे आर नॉट एडजेसेंट मीन्स साथ, एक कंसीडर में नहीं है, एक साथ नहीं है. जैसे एस के बाद पी है तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट रहेंगे, बट पी एंड आर अपोजिट एंगल्स है. एस और क्यू, सिमिलरली एस और एंगल क्यू, दे आर ऑल्सो अपोजिट एंगल्स. To the next topic, that is your interior region, exterior region and on the boundary. एक quadrilateral आपको given है, suppose this quadrilateral is PQRS, okay, तो इसका interior region कौन सा होगा? Means the region inside the quadrilateral, means ये जो quadrilateral के सारा interior का अंदर का region है आपका, ठीक है? This is your interior region. This region is your interior region. The part of the plane lying outside the boundary means ये जो PQRS आपकी boundary है, इसके जो outer में यहाँ पे जो भी area है, this is your exterior region. अगर मैं यहाँ पर एक point name लेती हूँ Z, तो आपका point Z कहाँ पे आए? Exterior region में है. And point this A point is in the interior region. जो अंदर का interior region होगा boundary के अंदर, that is interior. Outside the boundary, exterior region. ऑन द बाउंड्री, जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं मैं y, बाउंड्री के ऊपर, पी क्यू आर एस जो बाउंड्री है आपकी, उस बाउंड्री के ऊपर ही अगर कोई पॉइंट होगा तो आप उसको बोलोगे दैट पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल. इट इज अ रेक्टेंगल हेयर एबीसीडी. इन रेक्टेंगल आपकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी रेक्टेंगल में? एक तो आपकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पार्लर भी होंगी. मींस ए बी साइड जो है वो पार्लर है सीडी के, ए बी इज पार्लर टू सीडी एंड ऑल्सो ए बी इक्वल टू सीडी. अपोजिट वाली साइड्स इक्वल भी रहेंगी और पार्लर भी रहेंगी. सिमिलरली ए डी, ए डी जो है बी सी के इक्वल भी रहेगी और पार्लर, एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. दीज आर योर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज स्क्वेयर. इन स्क्वेयर योर ऑल द साइड्स आर इक्वल, मीन्स चारों साइड्स ही आपकी आपस में इक्वल रहेंगी, सेम लेंथ की रहेंगी, एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट अवर थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम. ओके, वी ऑल नो अबाउट द पैरेललोग्राम, दैट पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग अ फोर लाइन सेगमेंट. ओके, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, जैसे अपोजिट साइड्स यानी ए बी और डीसी, आपस में अपोजिट के जो पेयर्स हैं वो इक्वल भी रहेंगे और पैरेलल भी रहेंगे. सो दिस टाइप ऑफ फिगर्स, इस टाइप के क्वाड्रिलेटर्स को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहेंगी और इक्वल भी रहेंगी. दिस इज योर पैरेललोग्राम. लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज योर रोम्बस. रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल रहती है, मीन्स ए बी बी सी सी डी ए डी, ऑल दीज आर इक्वल. बट इन दिस अपोजिट साइड जो है पार्लर भी रहेंगी, ए बी पार्लर रहेगी सी डी के एंड ए डी इज पार्लर टू बी सी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल है और अपोजिट वाली साइड पार्लर रहेंगी. सो दिस इज योर रोम्बस. नेक्स्ट इज ट्रापीजियम. इन ट्रापीजियम एक आपका ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पार्लर साइड पेयर रहता है, ठीक है, मतलब ए बी पार्लर है सी डी के, ए डी और बी सी पार्लर नहीं रहेंगे, सिर्फ एक पेयर इसमें पार्लर रहता है. दिस इज योर ट्रेपीजियम. नेक्स्ट वन इज योर काइट. इन काइट योर ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल रहते हैं. इट हैज पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड अनइक्वल अपोजिट, मतलब इसमें जो आपकी एडी और बीसी है, एडी एंड बीसी, मतलब अपोजिट वाली साइड्स पैरेलल नहीं रहती हैं, ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल रहेंगी और बाकी की साइड्स जो है सारी वो आपकी इक्वल रहेंगी. दिस इज योर काइट. स्टूडेंट लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. ओके, पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स भी किया था, इन विच ऑल द थ्री एंगल सम इज 180. अब हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर इज हैविंग द फोर एंगल्स, चारों एंगल्स का सम आपका क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? दिस इज 360 डिग्रीज. आपको ये याद रखना है. और वो क्यों होता है? अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो इसके दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो फ्रॉम दैट भी हम ये चीज कर सकते हैं कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180, दिस तीनों एंगल्स का सम 180, तो इट विल बिकम 360. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि चारों एंगल्स का सम क्या रहेगा आपका? 360 डिग्री. इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आपको आ सकता है कोई थ्री एंगल्स दे दे, फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप निकाल सकते हो. सेकेंड टाइप आ सकती है आपको कि एंगल्स आपको रेशियो में गिवन हो.
आपको मैंने बताया था जब भी एंगल्स रेशियो में गिवन होंगे, फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इन द रेशियो दिस, फाइंड द एंगल्स। सो आप क्या करोगे, लेट द एंगल्स बी, इस टाइप के एंगल्स को हम हमेशा क्या लेट कर लेते हैं, 3x 4x 6x 7x, ठीक है। और आपको पता है चारों एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री। एड करेंगे चारों को, इट इज इक्वल टू 360। एड ऑल दिस, इट विल बिकम 20x, 20x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज 360 डिवाइड बाय 20, आप इसको सॉल्व करो, 2 1s 2 इट्स 18। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री, ठीक है। x आ गया 18 डिग्री। अब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, आप 3 को 18 से मल्टीप्लाई करो, आपका फर्स्ट एंगल आ जाएगा, 4 को 18 से, 6 को 18 से, सिमिलरली 7 को 18 से। जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, तो आपके ऑल द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आपके आ जाएंगे।